ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कालीमठ घाटी के सीमांत गांव चौमासी में हर वर्ष की भांति लगने वाला प्रसिद्ध लाई मेला इस वर्ष भव्य रूप से मनाया गया। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने इस मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन किया, साथ ही युवा तेजतर्रार प्रधान मुलायम सिंह के नेतृत्व में सफल आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर कालीमठ घाटी के वर्तमान पूर्व प्रतिनिधि एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े एवं स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पशुपालन विभाग की ओर से भेड़ पालकों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई और भेड़ पालकों को पुरस्कृत कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही दूसरी ओर प्रधान द्वारा बनाए गए सुंदर सामुदायिक भवन मिलन केंद्र का केदारनाथ विधायक मनोज रावत के द्वारा उद्घाटन किया गया। रुद्रप्रयाग से श्रमिक मंत्र संवाददाता शंभु प्रसाद की रिपोर्ट। धर्मांतर से चलने वाले पौराणिक आयुर्वेद विज्ञान का दबदबा आज 21वीं सदी में भी कायम है। बेशक एलोपैथिक उपचार आने के बाद से आयुर्वेद पद्धति में काफी बदलाव देखा गया है, जिसके बाद से लोगों का भरोसा आयुर्वेद विज्ञान पर कम होता दिखाई देने लगा। परंतु वहीं आज एक बार फिर से वैश्विक कोरोना महामारी में आयुर्वेद विज्ञान सिर्फ कारगर ही साबित नहीं हुआ है, बल्कि ये आयुर्वेद पद्धति ने ये साबित कर दिया है कि आयुर्वेद के इलाज व उपचार से कोई बेहतर इलाज हो पाना संभव नहीं है। और इस बात का साक्ष्य प्रमाण है वैश्विक महामारी में आयुर्वेदिक इलाज व उपचार किया जाना, जिसे देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी लोगों में आयुर्वेद विज्ञान को कारगर बताया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इस वैश्विक महामारी की मार आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों को भी झेलनी पड़ी है, जिससे शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की पढ़ाई भी काफी हद तक बाधित हुई है। तो वहीं इन शिक्षण संस्थानों को व्यावसायिक और आर्थिक क्षति भी पहुंची है। बावजूद भी देहरादून आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज के चेयरमैन अमित कुंडलिया अपने स्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के साथ हर सहायता व मदद के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि शिक्षण संस्थान अपने नुकसानों की भरपाई तो अगले वर्ष भी कर सकता है, लेकिन यदि बच्चों का साल खराब हो गया तो उसे वह चाहकर भी अपने शिक्षा की भरपाई नहीं कर सकेंगे। इससे लोगों को लगता था कि नहीं भाई, हमें एलोपैथिक दवा लेनी चाहिए। आज के समय में भी अगर आपको कोई लंबे समय का इलाज करना है तो आयुर्वेद ही उसका सर्वोत्तम उपचार है। और जहाँ तक कोरोना काल में कहेंगे, सब जितने लोग जो आज के डेट में कोरोना है, यहाँ तक कि हमारी सरकार भी उनको काढ़ा पीने के लिए और अन्य आयुर्वेदिक दवाई सुझा रही है, तो इससे ये साबित होता है कि आयुर्वेद विद्या इस आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जी वही कोरोना काल में कहीं बिजनेस की तरफ चलते हैं, कहीं देखो प्रबंधन को मैनेजमेंट बना के बैठे हुए, खर्चा भी होता है, लाखों रुपए एक्सपेंसिव हर महीने आता, तो कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार की बात करें कमर्शियल के साथ शिक्षा ग्रहण करने के कहीं एक बिजनेस भी है आप लोगों का, आप जैसे प्रबंधन लोगों का, तो कहीं उसका भी नुकसान हुआ है, तो उसके लगे से भरपाई कैसे कर पाएंगे आप लोग? देखिए, जहां तक आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा, नुकसान सभी का हुआ है और नुकसान छात्रों का भी हुआ है, नुकसान हमारा भी हुआ है, लेकिन हम अभी उस पर भरपाई के बारे में, जो हम लोग हमारे जैसे कॉलेज हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि पहाड़ी क्षेत्र में थे, वहाँ उनका इंटरनेट आदि सेवाएं नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गई, व्हाट्सएप चलाया गया, और हमें लगता है कि कुछ एक छोटे छोटे समय के लिए हमें ये जो नुकसान है या किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को ये झेलना चाहिए, ये हमारी एक सामूहिक सामाजिक एक हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने नुकसान की भरपाई के लिए किसी और को परेशान करने लग जाएं तो देखिए, हमसे पूरे हर लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं मानता हूँ नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे इस बार कॉलेजों में और पहले से ज्यादा बच्चे होंगे और उससे जो इस साल की जो हमें आर्थिक जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ी हैं वो अगले साल कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD College में अब College Courses के साथ ही Defense, Medical, Engineering और Government Sector Exam की Preparation भी होती है। चले DD College की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।